हेलो दोस्तों, कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। अनुपम खेर और श्रेयस तलपड़े के बाद इमरजेंसी में मिलन सोमन की एंट्री हो चुकी है। इससे भी बड़ी बात ये कि फिल्म में वो सैम मानेकशॉ की भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है मिलन सोमन की भूमिका। सैम मानेकशॉ के किरदार में उनका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, जो हर किसी के कल्पना से परे हैं। इमरजेंसी में मिलिंद की एंट्री, जब से कंगना रनौत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर फिल्म बनाने का ऐलान किया है, लोग फिल्म को देखने के लिए सुपर एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। फिल्म रिलीज होने पर क्या धमाल मचाएंगी वो वक्त बताएगा, पर उससे पहले फिल्म की स्टार कास्ट के लुक लोगों को हैरान कर रहे हैं। पहले कंगना रनौत, फिर अनुपम खेर और श्रेयस तलपड़े, वहीं अब मिलिंद सोमन के लुक ने फैंस की एक्साइटमेंट हाई कर दी है। फर्स्ट लुक से साबित हो चुका है कि मिलिंद सोमन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की भूमिका से फैंस का दिल जीतने वाले हैं। सैम मानेकशॉ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक थे, इसलिए फिल्म में उन्हें सैम मानेकशॉ के रोल में देखना दिलचस्प होने वाला है। मिलिंद सोमन पर बात करते हुए कंगना कहती हैं कि मिलिंद सोमन के टैलेंट को देखते हुए उन्हें सैम मानेकशॉ के रोल लिए वो परफेक्ट लगे। कंगना बताती हैं कि फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था। कंगना को उम्मीद है कि मिलिंद सोमन पर्दे पर अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करते नजर आएंगे। कंगना के साथ काम करके खुश है मिलिंद। कंगना रनौत की इमरजेंसी में सैम मानेकशॉ की भूमिका निभाने वाले मिलिंद सोमन कहते हैं, मैं कंगना के साथ काम करके खुश हूँ, मुझे उनका काम बहुत पसंद आया, खासकर क्वीन और तनु वेदमनु में। मैं उनके निर्देशन में काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की भूमिका निभाना एक बड़ा सम्मान और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मिलिंद सोमन ने तो सरप्राइज दे दिया। अब आगे देखते हैं कि कंगना अगली बार किस नए किरदार से रूबरू करवाने वाली हैं। वैसे आपको मिलिंद सोमन में सैम मानेकशॉ नजर आए? तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं मिलिंद सोमन को देखने के लिए? आप हमें अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।